हाँ तो भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं किंग ऑप्टिकल राठौर और मैं हूँ यश राठौर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा, वो जो टॉपिक है वो है हाउ टू मैच कॉन्टेक्ट लेंसेज विद योर स्किन टोन। हाँ, हाउ टू मैच अ कॉन्टेक्ट लेंसेज विद योर स्किन टोन, वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉन्टेक्ट लेंस खरीदने वाले के मन में रहता है। मतलब वो अगर कॉन्टेक्ट लेंस खरीदने जाता है तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे मेरे शॉप पे बहुत सारे लोग जो विजिट करते हैं तो वो मुझसे ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं। क्या वो जो क्वेश्चन रहता है वो है कि सर, ये जो हम कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदते हैं, आप बताइए इतने सारे कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, उस में से कौन सा कॉन्टेक्ट लेंसेज हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो कई तरह के कॉन्टेक्ट लेंसेज रहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ब्लू है, पर्पल है, ग्रे है, इस टाइप के बहुत सारे कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज रहते हैं। तो जब कोई इसे खरीदने जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा कलर का कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदना चाहिए। तो आज के इस वीडियो कंप्लीट वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपका स्किन का जो कलर है, हाँ, आपके चेहरे के कलर के अकॉर्डिंग आप कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो आपको पूरा समझ में आ पाए। और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप हमारे चैनल को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं ताकि हम रेगुलर बेसिस तक वीडियोस आपके यहाँ पे लाते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, हाँ तो भाइयों, जो कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को एकदम चेंज कर देते हैं। हाँ, अगर आपको चश्मा लगता है या नंबर का चश्मा लगता है जिसका नंबर बहुत ही ज़्यादा है, पर आप चाहते हैं कि मुझे चश्मा नहीं लगाना है, तो आप उसका अल्टरनेटिव में कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा सकते हैं। पर आपको बहुत सी बार ये कन्फ्यूजन होता होगा कि किस टाइप के कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए। वैसे तो कॉन्टेक्ट लेंसेज में बहुत सारे शेड्स आते हैं, मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रे, हेजल, हनी, ब्राउन, बहुत ये सारे तरीके के इसमें शेड्स आते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखना है, आप इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके फेस की स्किन टोन के हिसाब से आपके आंखों के लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा। पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि रेड कलर के जो कॉन्टेक्ट लेंसेज आते हैं, रेड है, एकदम व्हाइट हो गया, ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, आप कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते इसलिए हैं कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो, आप एकदम कूल, डैशिंग, गुड लुकिंग दिखे। पर अगर आप रेड कलर, एकदम व्हाइट कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लेते हैं तो उससे आप कूल, डैशिंग तो दूर की बात, कहीं ना कहीं भूत जैसे लगने लग जाते हैं। जो साउथ की पिक्चरों में गोस्ट वगैरह रहते हैं, उनको ऐसे ही कॉन्टेक्ट लेंसेज रेड कलर के, व्हाइट कलर के, इस टाइप के अट्रैक्टिव कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा के दिखाते हैं। तो कहने का, आप पार्टी में इंप्रेस करने जाते हैं तो सामने वाला इंप्रेस तो नहीं होता, वो कहने का आपसे डर जाता है कि आपने कैसे कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत जैसे लगा रहे हैं। तो आपके फेस की टोन के हिसाब से मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट लेंसेज दूंगा। तो मेनली, हाँ तो भाइयों, मेनली जो होती है वो चार प्रकार की टोन स्किन आती है। हर हर व्यक्ति के अंदर चार तरीके के, हर फेस के अकॉर्डिंग चार तरीके के फेस के कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होती है कूल टोन स्किन। यहाँ पे मैं आपको इमेज दे रहा हूँ क्योंकि आपको एकदम नाम से समझ में नहीं आएगा, मतलब जो ज्यादा गोरे लोग होते हैं उनको किस तरीके के कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाना चाहिए। अब सेकेंड की बात करते हैं तो है वो जो है वो है मीडियम टोन स्किन। यहाँ पे मैं आपको एक और इमेज देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। यहाँ पे मैं इमेज दे रहा हूँ। अब जो थोड़े से उनसे कम गोरे होते हैं उन्हें किस टाइप के कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाना चाहिए। थर्ड की ओर चलते हैं, तो थर्ड जो है वो है व्हाइटिश टोन स्किन। अब जो सांवले होते हैं, व्हाइटिश मतलब सांवले जो लोग होते हैं उनको किस तरीके का कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाने चाहिए। अब फोर्थ की ओर चलते हैं, तो फोर्थ जो है वो है डार्क टोन स्किन। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग शेड्स के लोग रहते हैं, मतलब कोई काला है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई सांवला है। तो फोर्थ जो है वो है डार्क टोन स्किन। यहाँ पे मैं इमेज दे रहा हूँ जो एकदम ही काला है, उसको किस टाइप के कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ तो भाई, अगर आपकी कूल टोन स्किन है, मतलब आपका चेहरा ज्यादा ही गोरा है, आपका फेस गोरा है, तो आपको मेनली जो है वो ब्लू एंड ग्रे, मतलब आपको जो है ना इस टाइप से, हाँ ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, ये जो कलर है ये है ब्लू एंड साथ ही साथ ग्रे। तो मैं आपको ग्रे भी दिखा देता हूँ, यस, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रे, ग्रे एंड ब्लू। मेनली जो ज्यादातर कूल टोन स्किन के लोग होते हैं, मतलब ज्यादा गोरे लोग होते हैं, उनको मैं प्रीफर करूंगा कि वो ब्लू कलर के या ग्रे कलर के
कॉन्टेक्ट लेंसेस ही यूज करें, क्योंकि ये जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो गोरे लोगों पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं, तो है मीडियम टोन स्किन। अब मीडियम टोन स्किन के पास ज्यादा ऑप्शन होता है कंपेरिजन टू अदर्स, मतलब जो मीडियम टोन स्किन लोगों के पास ज्यादा कॉन्टेक्ट लेंसेस कलर्स के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो ना तो ज्यादा काले होते हैं ना ही ज्यादा गोरे, जैसे कि मेरी है मीडियम टोन स्किन, तो उन लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस होती है कलर की। वो चाहे तो ब्राउन कलर लगा सकते हैं, हेजल मीन्स ब्लू, हेजल भी ब्राउन कलर के बोलते हैं, ब्राउन कलर लगा सकते हैं, हेजल कलर लगा सकते हैं, हनी कलर लगा सकते हैं, ग्रीन कलर लगा सकते हैं, ग्रे कलर लगा सकते हैं या वॉयलेट कलर लगा सकते हैं। तो ये थी मीडियम टोन स्किन के ऊपर बात। अब हम लोग तीसरे ओवर की चलते हैं, जो है वाइटिश टोन स्किन, जो हल्के से मीडियम वालों से गोरे होते हैं। तो जो वाइटिश टोन स्किन के लोग होते हैं उन्हें मोस्टली रिच हनी हो गया, हेजल हो गया, ग्रेश हो गया, ब्राउन हो गया एंड जितने भी ब्राइट कलर्स हैं वो सभी लगाना चाहिए, क्योंकि मेनली वाइटिश, जो मैं आपको एक इमेज देता हूँ, इन इस टाइप के जो फेसेस रहते हैं जिनका कलर इस जिनके फेसेस का कलर अगर ज्यादा ही वाइटिश है तो उनको मेनली हर कलर सूट करता है। तो अब हम फोर्थ की ओर चलते हैं, जो कि है डार्क टोन स्किन। अगर आपकी जो स्किन का कलर है वो ज्यादा ही ब्लैक है, मतलब आप ज्यादा ही काले हैं, तो आपको कौन से कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहिए? तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको हनी पर्पल एंड ब्राउन कलर ही मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यही जो ब्लैक लोग होते हैं, मतलब जो काले लोग होते हैं, मैं काले गोरे का भेदभाव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि जो डार्क टोन स्किन के लोग होते हैं उन्हें हरी हनी कलर, मतलब ब्राउन कलर, हेजल कलर, इस टाइप के लाइट कलर्स लगाना चाहिए, ताकि अगर वो डार्क कलर लगा लेते हैं वो बस उनका फेस भी एकदम डार्क होता है तो उन पर सूट नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपका सभी लोगों को इसी टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज दिया है, और आप लोग जैसे जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं आपसे केवल एक ही विनती करना चाहूँगा कि स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। और अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे इस लॉकडाउन के दिनों में केवल एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कीजिए। आपके आसपास कोई गरीब रहता है तो उसे खाने के लिए दे सकते हैं, कपड़ा रोटी कुछ भी दे सकते हैं जितना हो सके। और अगर आप नेशनली, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर मदद करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पीएम केयर फंड्स नाम से एक मोदी जी स्कीम चला रहे हैं, आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं यही समय है कि हम सब इंडियंस को एक साथ आके इस कोरोना वायरस से लड़ना होगा, जब भी हम जीत सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो और कुछ नॉलेज लेना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय